ये हमारे कटिहार डिवीजन में एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है मॉर्निंग में लगभग 8:32 के आसपास। तो सभी लोग गए हुए हैं, डीआरएम साहब साइट पे गए हुए हैं, अभी पहुंचे नहीं है। एडीआरएम एनजेपी अपना एआरएमई को लेके साइट पे पहुंचे हुए हैं। अभी जो कैजुअलिटी की खबर, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आए हैं, वो हम आपको बताएंगे, बट जो प्रथम दृष्टया सूत्रों से पता चल रहा है, दो लोगों का हताहत होने की खबर है और राहत और बचाव कार्य जारी है। तो जैसे जैसे अपडेट होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। सर, सहायता वैन और मेडिकल वैन भेज दिए गए हैं? हाँ, कटिहार से एआरटी और एआरएमई दोनों मूव कर रहे हैं। एआरएमई में डीआरएम साहब स्वयं गए हैं और वहाँ से, क्योंकि ये एनजेपी से पास पड़ता है, इसलिए एआरएमई वहाँ ऑलरेडी पहुँच गई है, मेडिकल सुविधाएँ दी जा रही हैं। और एआरटी को, क्योंकि वो विद्युत वाला सेक्शन है, तो वहाँ की अभी ट्रिप काट दिया गया है, तो डीजल इंजन अरेंज करके वहाँ पे एआरटी को भी जल्द से जल्द पहुँचाया जा रहा है, और जो फंसी हुई ट्रेनें हैं दूसरी लाइन पे, उनको भी आसपास के स्टेशन पे भेजा जा रहा है। घटना कहाँ हुई और कैसे हुई, कुछ ये कैसे का तो अभी ये तो पता लगाने का विषय है। इट कैन ओनली बी असर्टेन आफ्टर थोरो इंक्वायरी, बट ये घटना हुई है हमारे रंगापानी और चाटरहाट स्टेशन के बीच में। सभी गाड़ी का परिचालन सुचारू है या नहीं? परिचालन जो है बाधित हुआ है, परिचालन में, क्योंकि अभी घटना ब्लॉक सेक्शन में हुई है, तो एक लाइन तो पूरी ब्लॉक है, दूसरी लाइन में जो गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है धीरे धीरे। बिहार के भी लोग हैं कितने? अभी ये सब जानकारी अभी आ रही है, धीरे धीरे आपको अवगत करा दिया जाएगा।